दो दिनों के विशेष सत्र के बाद नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता सरकार के रवैये से खासा नजर आए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सदन में पार्टी की टोपी पहनकर बैठना नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। नेता विपक्ष ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और उनसे मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। दोनों दिन, पहले दिन तो मुख्यमंत्री सहित सभी और अगले दिन भी कुछ विधायक जिस तरह सदन में टोपी पहनकर बैठे सिंबल के साथ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी। मैंने राष्ट्रपति जी के यहाँ चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है और भाजपा के सभी विधायक राष्ट्रपति जी से मिलकर राष्ट्रपति जी को लिखित शिकायत इस संदर्भ में देंगे और राष्ट्रपति जी के हस्तक्षेप की हम मांग करते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दो दिनों के सत्र में सरकार ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे की बात की, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की उन्हें इजाजत तक नहीं दी गई। यहां तक कि सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक खत्म कर दी गई। इसके बावजूद उन्हें शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। बहुत सरकार दावे करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ दिल्ली में किया गया है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों की खस्ता हालत का मुद्दा जब हमने सदन में उठाने के लिए कामरों को प्रस्ताव हम लाए तो सदन की बैठक वास्तविकता में 2 से 6 बजे तक का समय था, 4:30 बजे समाप्त हो गई, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर हमारा प्रस्ताव जो है उसको स्वीकार नहीं किया। दो दिनों के विशेष सत्र की बात करें तो पहले दिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला ही छाया रहा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को सदन में मौजूद होना था, लिहाजा विधायक भी दिलचस्पी दिखाते नजर आए। लेकिन दूसरे दिन आधे घंटे तक तो कोहराम पूरा नहीं हो सका और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जैसे तैसे मतदाता सूची पर चर्चा के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि सदन चलाना स्पीकर का विशेष अधिकार है, पर सरकार की मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।